मैं अपनी जान को खाना खुद नहीं खिला सकती क्या? मेरे हाथ से नहीं खाओगे? आपके हाथ से तो मैं जहर भी खा लूं। मैं अब भी आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। नो प्रेशर, नो कंडीशंस, टेक योर टाइम। क्या जरूरत है आपको इतना दूर आने की? नहीं आऊंगा तो से मिलने का कोई बहाना नहीं बचेगा मेरे पास। बस कल ही महानूर के घर से फोन आया था, महानूर ने हाँ कर दी है, फिर हमने भी देर नहीं लगाई। ये तो बहुत खुशी की बात है, है ना शहराम? इस पे तो मुंह मीठा होना चाहिए। शहराम तुम तो मुंह मीठा करो। तेरा इश्क जो जिंदगी भी हर कदम पे सरप्राइज देती है। लाइफ में कभी भी कोई अच्छा चांस हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, और ना ही अच्छे लोगों को। शहराम, अगर इस वक्त अकेले रहना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी की जरूरत है तो मैं यही हूं, हमेशा यही हूं। जानता हूं, मेरी खुशी में, मेरी कामयाबी में, मेरी बर्बादी में, हर जगह आप ही हैं। कि दुनिया बहुत मतलब परस्त है, हर कोई सिर्फ अपना नफा नुकसान सोचता है। शाह साहब को भी यही कहती थी मैं, लेकिन वो भी दिल की सुनते थे। पल भर के लिए खुशी मिलती है, लेकिन दिल की सुनना हमेशा नुकसान दे। जानता हूं मैं, सच कह रही हूं। हमेशा अपने दिल की सुनी है मैंने, इसीलिए हर झूठ को सच मानता है। बिल्कुल ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ। आप फिक्र ना किया करें मेरी, बिल्कुल ठीक हूं मैं। क्योंकि मैं जानता था ऐसे ही होगा। शायद उसको मालूम हो गया था कि मैं कितनी ऊंचाई पर हूं और वो नीचे जमीन पर रहने वाले। मुझ तक पहुंचते पहुंचते उसके पांव जख्मी हो जाते हैं और शायद रुक भी। कभी तो वापस लौटना था उसने, और मैं भी तो ऊंचाई से नीचे नहीं उतरा, चुपचाप नीचे देखता रहा, खुद गर्ज बना रहा, ये सोचता रहा कि कितने लोग हैं मेरे इर्द गिर्द, कहीं अकेला ना रह जाऊं मैं। आखिर में सब छोड़ के चले गए। आप भी तो यही चाहती थी ना? यही चाहती थी ना आप? मैं तो हमेशा तुम्हारी खुशी चाहती हूं, चाहे वो किसी के साथ भी। ये बात थी तो जब मेरे दिल में आया था उसको प्रपोज करने के बारे में, तो मैं कर देता प्रपोज उस वक्त। आप भी खुश हो जाती है ना? खुश हो जाती ना आप? जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम जानते हो ना तुम कौन हो? अच्छा की जगह हो तुम, अपनी कदर जान।
अच्छी तरह जानता। ख्याल है तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं, जल्दी उठना है मुझे, कल बहुत मसरूफ हूं मैं, हॉस्पिटल का काम भी है वो देखना है, तो जल्दी जाना है मुझे। जैसे तुम्हारी मर्जी। बेटा दो ना आंटी को, लेना माम लेना। अरे थैंक यू सो मच। भाई साहब, मैं आज यहाँ इसलिए आई थी कि हम मिलकर कुछ चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक मैं कराची जा रही हूँ, तो चाह रही थी सब मामले तय हो जाएं तो अच्छा रहेगा। जी बहन, जैसे आप चाहें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं। अगर आप लोग मंगनी यहीं करना चाहते हैं तो हो सकती है, मगर ख्वाहिश यही थी कि कराची में होती और आप सब वहाँ आकर शरीक होते। मैं जानती हूँ कराची में आप लोगों की बहुत बुरी यादें वापस थे, तो फिर ऐसा करते हैं कि कराची से वापस आने के बाद मंगनी की तैयारी करते हैं। मैं जल्दी में कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन मानूर से भी तो पूछना ज़रूरी है ना, वो क्या चाहती है? मानूर को कोई एतराज़ नहीं। नहीं, मेरे लिए उसकी मर्ज़ी जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं खुद ही मानूर से बात कर लूँगी। जी बेहतर। तो फिर इजाज़त, आने के बाद आप लोगों से मुलाकात। आपने चाय नहीं ख़त्म की? शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। इससे नहीं आपके से। कितनी सुलझी हुई खातून है ना। वाकई ऐसे होते हैं बड़े और पढ़े लिखे लोग, और ना हवेलियों में तो कोई भी बैठ सकता है, जब सोच ही गिरी हुई हो तो क्या फायदा। छोड़ें आप, किनको किन के साथ मिला रहे हैं। नूरी ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है। जब उसने हाँ की है तो सोच समझ कर ही की होगी ना। लेकिन सोच का दिल से क्या था। एक बात बोलूं, आप लोग उनकी हाँ को उनकी खुशी मत समझें, वो बस आप लोगों को मजीद परेशान नहीं देखना चाहते। हेलो, कैसी हो मानोर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस दिल कुछ उदास था तो सोचा तुमसे बात करूं और शहराम के बारे में भी पूछूं। कैसे हैं वो? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मिली नहीं उससे। मिलती हूँ, लेकिन अब वो किस हाल में है ये तो वो ही जानते हैं ना। हाँ, वो जीनत मेरी शादी तय हो गई है। शादी किससे? हैं बहुत अच्छे लोग हैं, जान पहचान के ही हैं। ये तुम क्या कह रही हो मानूर? मगर शहराम, उनका क्या है, उन्हें तो कोई भी मिल जाएगी, मुझसे पहले भी तो उनकी जिंदगी थी ना। हाँ, लेकिन उस जिंदगी को जीने लायक तो तुम ही ने बनाया ना, तुमसे अच्छा जोड़ कौन है उनके लिए? ऐसा सिर्फ आपको लगता है, दूसरों को नहीं। कभी कभार हमारी खुशियाँ दूसरों के लिए तकलीफ और मायूसी का बाइस बन जाती हैं, और इतने खुदगर्ज़
ना मैं हूँ और ना ये शहरा। क्या ये सब इतना आसान है तुम्हारे लिए? मुश्किल सिर्फ वो होता है जिसे हम मुश्किल समझ लेते हैं, वरना तो दुनिया का हर काम ही बहुत आसान है। सोचा तो था कि तुमसे ढेरों बातें करूंगी, लेकिन तुमने तो मेरे अल्फाज ही छीन लिए। ना ख्याल रखना। आप भी ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। भाई सुना यह है कि वो आर्किटेक्ट जो स्कूल के काम के सिलसिले में यहाँ आया हुआ है, उसी से बात पक्की हो गई है उसकी। कहानी में ये ट्विस्ट कहाँ से आया? वो शहराम तो बना बढ़ाता था जैसे वो उसकी मलकियत हो। अब ये कोई जरूरी तो नहीं कि हर ख्वाहिश पूरी भी हो। बेचारा शहराम, बेचारी मानूर, एक बार फिर उसकी शादी टूट जाएगी। कबीर ये तुम क्या कह रहे हो? जो आपने सुना। तुम क्यों उस लड़की की जिद में पड़े हुए हो? उससे कहीं ज्यादा बेहतर लड़कियां तुम्हें मिल जाएंगी। ना ही वो मेरी जिद है ना मोहब्बत, नफरत करता हूं मैं उससे। और आपको क्या लगता है इतनी आसानी से मैं उसको नई जिंदगी शुरू करने का मौका दूंगा? ना, उसको भी तो पता चले कि उसका पाला किससे पढ़ा है। देखो कबीर, हम यहां ये सब कुछ करने के लिए नहीं आए हैं। ये इलेक्शन मेरे लिए बहुत अहम है। हम जमाल की मदद करने के लिए आए थे। तो कीजिए मदद। मैंने तो किसी को नहीं रोका, ना ही मैं किसी को रोकूंगा। मुझे किसी की मदद भी नहीं चाहिए। वैसे भी मैं किसी की मदद के बगैर बहुत कुछ कर चुका हूं। शहराम का एक्सीडेंट? ज्यादा मत सोचे। इलेक्शन कैंपेन पे ध्यान दीजिए। कैसे हैं आप मानूर? ठीक हूँ। मुबारक हो, शादी कर रही हैं आप। आपको किसने बताया? तैमूर और उनकी अम्मी आए थे घर, उन्होंने बताया। मैं बताने ही वाली थी आपको। नहीं नहीं, आपके मुंह से ना सुन पाता मैं। अच्छा है कि ये खबर किसी और की खुशी बनकर मुझ तक पहुंची। अच्छा है, इसी पे खुश हो रहा हूं मैं। खुश है ना? जी बहुत खुश हूं, मेरे घर वाले खुश हैं। अच्छी बात है, खुश होना हक है आपका। नई जिंदगी शुरू करने जा रही हैं आप। बस गुजारिश है कि नई जिंदगी में पुरानी यादों को साथ ना ही रखें तो अच्छा है। ये चूड़ियां जो आपने एक महीने से पहनी हुई हैं, लेकिन कसूर मेरा ही है, मेरा ही कसूर है। की आंखों की दर्दी को मैं मोहब्बत समझ बैठा, मेरा ही कसूर है। मैं नहीं जानती शराम आपने मेरी आंखों में क्या देखा है। आपसे एक
आपसे एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूं? क्या कभी किसी लम्हे भी आपने मुझे दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं समझा? नहीं, मेरे लिए मेरी माँ बाप की इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं है। और जो हवेली वालों ने रवैया अपना रखा था उनके साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है। बस याद रखिएगा कि मैं आपकी हमेशा इज्जत करूंगा और हमेशा आपका दोस्त और खैर पर रहूंगा। प्लीज आप स्कूल आना मत छोड़िएगा, जब तक बच्चों को हमेशा जरूरत रहेगी आपके। आप परेशान मत हो, मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागती। ये मैं अपने पास ही रख सकती। देर हो गई है जब भी शेराम भाई आओ। अब्दुल बैठो बैठो, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, आओ। भाई तुम्हारे लिए काम आ गया एक, ये हॉस्पिटल का नक्शा है, तकरीबन डन हो गया है ये, और इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है। इसकी इसकी भी वेबसाइट पे काम होना है, इसकी प्रमोशन के लिए। शेराम भाई, हम काम की बात बाद में करते हैं ना। क्यों, अभी आप ठीक नहीं लग रहे। क्या हुआ मुझे? आप किसे झूठ बोल रहे हैं, अपने आप से, मानूर बाजी से या मुझसे? अगर हम काम की बात ही करें तो अच्छा है, कोई और बात करेंगे ना तो मर जाऊंगा मैं, और इस बार कमजोर पड़ना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हर किस में, और कसूर मेरा ही है यार। चाहे ट्रेन की आखिरी सीट हो या अलमारी के ऊपर पड़ा हुआ खिलौना, चाहे चांद हो या फिर वो दिल ने हमेशा चाहा ही वो है जो मेरी पहुंच से दूर। खैर, मैं अब ये भूलना चाहता हूं यार, इस बारे में बात नहीं करना चाहता, तुम भी मत करो। आओ काम की बात करते हैं। ये देखो, ये कोई है?
चाची, कोई है यहाँ? नायला बाजी, नायला बाजी, क्या हुआ गुलजेब? सब खैरियत तो है? नायला बाजी, घर घर में कोई कूदा है? कोई नहीं आया, तुम्हारा वहम होगा। मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, मैंने देखा है। अरे कोई नहीं है, जाओ तुम सो जाओ। यहाँ कौन आएगा? यहाँ कोई नहीं आएगा। और ये क्या तरीका है नींद से उठाने का भाई? जाओ बेटा, जाओ जाके सो जाओ। चले छोड़े भी, अकेली है बिचारी। गुलजेब, सब खैरियत है? तुम रो रही हो? नहीं, बस याद आ रही थी आपकी। कब कब आएंगे मुझसे मिलने? बेटा अभी तो सादिक भी शहर से बाहर गया हुआ है, वो वापस आता है तो पूरी कोशिश करूंगी कि चक्कर लगाऊं तुम्हारी तरफ। मुझे डॉक्टर ने भी अगले हफ्ते बुलाया है दोबारा। आप मेरा छोड़ें, आप बस अपना ख्याल रखें और दवाइयां टाइम पे ले रही है ना? बेटा मुझे तो बस सिर्फ तुम्हारी फिक्र खाई जाती। काश तुमने मेरी बात मान ली होती और यहाँ आ जाती मेरे साथ। माँ, अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ, बस आपसे सुबह बात होती है। खुदा हाफिज़, ख्याल रखिएगा। वैसे काफी जल्दी नहीं थी आपको सबको सब कुछ बताने की? मैं समझा नहीं, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। शहराम को किसने बताया? ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है और वो अपने मकसद को छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे, इसलिए इस बारे में ना आपको फिक्र करने की जरूरत है ना ही मुझे। ये वेंडर एक दो घंटे में हमारी बजरी रहेगा, आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ये काम शाम तक हो जाए, आगे बहुत टाइम। चलो क्लास में सारे। आप लोग जाइए, मैं आप लोगों को बाद में ब्रीफ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतना शर्मा क्यों रहे हैं आप? बात पक्की हुई है हमारी, थोड़ा फील तो होने दें। वैसे काफी जल्दी नहीं थी आपको सबको सब कुछ बताने की? मैं समझा नहीं, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। शहराम को किसने बताया? आई स्वेयर मुझे और मॉम को लगा कि आपने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया होगा। आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज कि उसे कुछ मालूम नहीं था। क्यों नहीं बताना चाहिए था उन्हें? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मानूर, इफ इट्स ओके विद यू, हम किसी दिन कहीं बाहर मिल सकते हैं, वैसे ही बातें करने या खाना खाने, ओनली इफ इट्स ओके विद यू।
ये आपका शहर नहीं है, सोच कर बताऊंगी। एक तो आप सोचती बहुत हैं। हम दोनों तो शहर के हैं ना। And I said only if it's okay with you. क्लास का वक्त हो रहा है। प्लीज भाई आप तो शुक्र करें आपकी जान छुटी। लड़की अपने घर की होगी तभी शहराम किसी और के बारे में सोचे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। समझे एक बला डली है। मैं तो इस कदर परेशान थी इन दोनों को लेके आप सोच भी नहीं सकते। औकात टके की नहीं थी और ख्वाब हवेली के देख रही थी। अच्छा है शादी करके गायब हो जाए, मुझे तो उसके नाम से नफरत हो गई है। मैं आपको बाद में फोन करती। कौन? छोटी अम्मी। कल रात घर में कोई घुस आया था अम्मा। अल्लाह खैर, क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। मैंने शोर मचाया तो भाग गया, लेकिन ये दोबारा भी हो सकता है। सही परेशान थी ना मैं तुम्हारे लिए। अब बताओ कैसे छोड़ दूँ तुम्हें वहाँ अकेले। अम्मा, तो प्रेस साहब शादी करना चाहते हैं मुझसे। जानती थी मैं एक ना एक दिन वे बात तुमसे जरूर करेंगे। अब सोचो मत ज्यादा, बस हाँ कर दो। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? उनकी किसी और से शादी होने वाली है और वो चाहते हैं मैं चुपचाप उनसे निकाह कर लूं। तो इसमें कोई गुनाह वाली बात तो नहीं है बेटा। और जब वो मुनासिब समझेगा तो बता देगा अपने खानदान वालों को। और जहां तक रही बात शादी की, तो जमींदार लोग तो दो तीन शादियां करते हैं। कम अज कम तुम्हें तो सहारा मिलेगा, कोई तो होगा तुम्हें पूछने वाला, तुम्हारा हमदर्द। इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती बेटा। बेवा औरत को हर कोई अपनी मिल्कियत समझता है। ये तो भला हो तबरेज साहब का जो तुम्हें इज्जत देना चाह रहे हैं, अपना नाम देना चाह रहे हैं। शायद तुम्हारे मुकद्दर में यही लिखा है। बस अब हाँ कर दो मेरी बच्ची। खुदा हाफिज। स्कूल जा रहे हैं ना? नहीं। फिर कहाँ जा रहे हैं? कब्रिस्तान। अबू जान की कब्र पे गए हुए काफी वक्त हो गया, तो सोचा वहां जाते हैं, जरा देखते हैं कुछ साफ सफाई भी हो जाएगी। मुझे मालूम है आप लोगों का जाना ममनू है वहां पे, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आपका बहुत दिल कर रहा होगा। जाहिर है। हैरान होता हूं मैं कभी कभी, कैसे एक इंसान आंखों के सामने रेत की तरह फिसल जाता है। ये तो अल्लाह की मर्जी है, आज सांस आए और कल नहीं, ये तो वो ही जानता है। बेशक अल्लाह की मर्जी के खिलाफ तो अगर इंसान इस दुनिया में भी जाए तो जिंदा दरगोर हो जाता है, मरने वाले की क्या औकात है।
फातिहा पढ़ लें। जानती थी तुमसे अकेले में यही बात हो सकती है। मैं गलत टाइम पे तो नहीं आ गई? नहीं, आप जब चाहे आ सकती हैं। दरअसल तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी मैं। मानूर बेटा, तुमने किसी के दबाव में आके तो ये फैसला नहीं किया? नहीं आंटी, मैं तैमूर की दोस्तों जैसी तुम्हारी भी दोस्त बन के रहूंगी, इसलिए तुम अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर कर सकते हो। कराची से आने के बाद हम छोटा सा मंगनी का इवेंट यहीं पे रखेंगे, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं। और क्या नाम था उस लड़के का जो तुम्हें तंग करता है? फॉरगेट इट, बस तुम उसे लेके बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि हम सब तुम्हारे साथ। आएगा ना तो देख लूंगी मैं उसे। वैसे अब उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो यहाँ कभी भी आए। हंसती रहो, बहुत प्यारी लगती हो। खुश हो? कुछ पता चला क्यों आए हैं ये लोग? जी सर, वैसे तो नहीं आते हैं, आज पता नहीं कैसे इनका आना हुआ। चाय पानी पूछा? जी हाँ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक, तशरीफ रखिए प्लीज। थैंक यू। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप सुनाए सर, बड़े जोर शोर से कैंपेन चल रही है आपकी। बस ये तो फॉर्मेलिटी है, आप जानते हैं इक्तदार में आने के बाद लोगों को ये बताना होता है कि उनका इंतखाब बिल्कुल ठीक है। सर इसलिए आपके पास आए हैं, MET ऑफिस की तरफ से वार्निंग है कि आपके गांव में सैलाब का खदशा है। हाँ, खबरों में सुना तो है मैंने, क्या ऐसा है? जी सर, तेज़ बारिशें भी हो गई तो अच्छी खासी तबाही होनी है। 3 साल पहले भी यहाँ जो तूफान आया था, अच्छी खासी तबाही हुई थी। हाँ वो याद है मुझे। तो देख लें, इसमें आप जो भी मदद कर सकते हैं, हो सकता है लोगों को महफूज मकामात पर भी मुंतकल करना पड़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाजिर हूँ मैं, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने वक्त पे इतला कर दी, मैं बिल्कुल सब करने के लिए तैयार हूँ। आप प्लीज चाय लीजिए प्लीज। थैंक्स। Assalamualaikum Tamur sahab. Assalamualaikum sir. Thank God you're here. How are you? I'm good. Thank you so much. क्या हुआ, सब खैरियत तो है? सब खैरियत तो है सर। इसको एक बार रिव्यू कर ले, मुझे लगता है कि हॉस्पिटल पे हमारे एस्टिमेट से ज्यादा खर्चा हो जाएगा। लेकिन स्कूल बनते वक्त भी यही सोचा था हमने, लेकिन हो गया ना सारा काम, ये भी हो जाएगा। सर वो तो ठीक है, लेकिन शहर के स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं आप, और एक एक टाइम पे दो दो कंस्ट्रक्शन, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आसान तो कोई काम नहीं होता तैमूर, वैसे भी सब कुछ अकेले ही करना है। अकेले क्यों सर? शहराम साहब एक बात कह सकता हूं, आप प्लीज ये मत समझिएगा कि मानूर स्कूल के काम से पीछे हट जाएगी या आपकी मदद नहीं करेगी। वो जो भी करना चाहती है, इट्स कंप्लीटली हर चॉइस। मेरी तरफ से उसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, दैट आई अश्योर यू। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है, और वो अपने मकसद को छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे, इसलिए इस बारे में ना आपको फिक्र करने की जरूरत है ना ही मुझे।
वो तो बात ठीक है सर, सर वो लोग एक बात पे टिकते ही नहीं है। पिछले जलसे में भी बिरयानी के डब्बे भर भर के दिए थे उनको, तब जाके चैन आया था उनको। हाँ तो ठीक है, बिरयानी दो, शरबत दो, खीर दो, जो मर्जी दे दो, मुझे नहीं पता। मुझे उनकी हिमायत चाहिए, बदले में जो खिलाना है खिला दो। ये लोग इन्हीं चीज़ों से खुश हो जाते हैं। जमाल साहब मैं ये कह रहा था कि अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो उसके लिए कोई एक्शन प्लान है हमारे पास? हाँ हाँ यावर साहब, वो भी देख लेंगे। फिलहाल तो मुझे इनकी हमदर्दी और हिमायत बटोरनी है। अजी काम करो, मेरी ग्रे वेस्टकोट प्रेस करवा देना, दिन के हिसाब से मेरे ख्याल से वो ठीक रहेगी। और एयर कूलर का बंदोबस्त बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और म्यूज़िक वाले वो जो डीजे है उससे बात हो गई है? जी जी जमाल साहब, देख लेना। बिल्कुल ठीक है जनाब, चाय लीजिए सर। हाँ भाई, बिस्किट लेकर आओ। पिछले सैलाब में भी सबसे तबाही यही मची थी। मैं तो यही सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि हमारे काम धंधे का क्या होगा। अल्लाह वाली खैर उफ मियाँ, इतना मत सोचा करें। तो सोचना पड़ता है इसमें। चाचा कौन उठाएगा इन दुकानों का जिम्मा? सैलाब में सब बह गया तो कौन पूरे करेगा खर्चे, बोले? अरे पहले अपने बच्चों की फिक्र करें, कोई ना कोई मदद हो ही जाएगी रूफ मियाँ। कौन करेगा मदद? वो जमाल, ये सड़क देख रहे हैं आप? पिछले साल एक बारिश में ये सड़क बह गई। अल्लाह कोई ना कोई वसीला बना ही देगा भाई साहब, दुआ करो। तो इंतजाम हुआ कोई? नहीं शराम साहब, जमाल साहब को तो गवर्नमेंट की तरफ से तलब भी मिली है, लेकिन फंड इकट्ठा करने में लगे हैं। अमली तौर पर अब भी कुछ नहीं हुआ है। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। इसका मतलब है कि कुछ लोगों को हमें साथ वाले गांव में मुंतकिल करना पड़ेगा। ये लोग भी कहाँ मानते हैं साहब, कोई अपना घर छोड़ना नहीं चाहता, कोई अपने माल मवेशी छोड़ने को तैयार नहीं। सही कह रहे हैं आप, लेकिन देखें जिंदगी है तो सब कुछ, जिंदगी रहेगी तो ये बाकी सामान बन जाएगा इंशाल्लाह साथ साथ। हाशिम जी शराब, मुझे यहाँ के सारे लोगों की मालूमात चाहिए, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, मर्द, सबकी मालूम। और हमारा जो स्कूल का अमला है उसको इस काम पे लगा दो, लेकिन जल्दी। जी बेहतर, शुक्रिया। गांव वालों में तुम लोगों से कुछ नहीं मांगता, मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूं। मैं एक एक शहर जाऊंगा, एक एक गांव जाऊंगा, तुम लोगों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए चंदा मांगूंगा। दिल खून के आंसू रो रहा है कि अगर इस बार भी सैलाब तुम लोगों के घर बहा के ले गया तो मैं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसलिए फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो लोग इस्तेताकते हैं वो अपना हाथ न रोकें, इस भलाई के काम में, नेकी के काम में अपने बहन भाइयों की मदद करें आप। अल्लाह आपकी मदद करेगा। मैं आप लोगों की मदद करने के लिए यहां खड़ा हूं। जमाल शाह के अलावा आप लोगों के काम कोई नहीं आएगा। हाँ बस जाओ, चलना। दिल खोल के चंदा दीजिएगा, बिस्मिल्लाह करें। जो इस्तेताद रखते हैं वो दिल खोल के चंदा दें, बिस्मिल्लाह करें जी।